नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे तीन क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्या वैसी जिंदगी जी रहे हैं जैसी आप चाहते हैं? नंबर टू, क्या आप अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को वही जिंदगी देना चाहते हैं जो आप कई सालों से जी रहे हैं? क्या आपके सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल चुके हैं? दोस्तों, यदि इन प्रश्नों का उत्तर हाँ में है तो आपको ये वीडियो देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इन प्रश्नों का उत्तर ना में है तो उस वीडियो को अंत तक देखना आपका फर्ज बन जाता है। दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि असंभव इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। आप जो चाहो, जो सोचो, वो सब कर सकते हो, क्योंकि ये दुनिया भरी पड़ी है ऐसे एग्जाम्पल से जिन्होंने वो करके दिखाया जो दूसरों के लिए असंभव था। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? दोस्तों, जो मैं कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनना, और अगर कुछ बातें कड़वी भी लगें, तो सुन लेना, क्योंकि आपके पास एक जिंदगी है और ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो उसको जरा सोचो, अगर कल एक एक्सीडेंट में आपका एक हाथ या एक पैर या दोनों हाथ पैर कट जाते हैं तो जिंदगी कैसी होगी? जरा सोचो, रूह कांप जाती है सोचकर। क्या करेंगे आप उस हालात में? कैसे जिएंगे आप? कैसे पालेंगे अपने बच्चों को? कैसे ध्यान रखेंगे अपने बूढ़े माँ बाप का? विचार करो। मुझे पता है दोस्तों, यही सच सोच रहे होंगे आप कि जिंदगी नर्क बन जाएगी। कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं, ना अपने लिए ना अपने बच्चों के लिए। यही जवाब है ना आपका? तो सुनो, एक बच्चा जब वो पैदा हुआ तो ना तो उसके हाथ थे और ना ही पैर। सोचो क्या बीती होगी उसके मन पर, सोचो क्या बीती होगी उसके मां बाप पर, सोचो क्या बीती होगी उस बच्चे पर, कैसे काटेगा वो जिंदगी, सोचो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उस बच्चे की जिसका नाम है निकोलस व्यूजिसिक, जिसका जन्म 4 दिसंबर 1982 को ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न सिटी में हुआ। बचपन से ही उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। जब उसने स्कूल जाना शुरू किया तो बच्चे ने उसे मेंटली इमोशनली इतना टॉर्चर किया कि उसने सुसाइड तक करने की कोशिश की। दोस्तों, एक बच्चा जो मात्र 10 साल का है सुसाइड करने की कोशिश करता है, छोटी बात नहीं है। परेशानी को समझने के लिए, उसके हालात को समझने के लिए, क्योंकि उसे लगता है वो इसके अलावा कुछ और कर भी नहीं सकता, क्योंकि उसे लगता है कि कौन उसे नौकरी देगा, उसे लगता है कि वो अपने माँ बाप पर एक बोझ है। कैसे काटेगा वो अपनी जिंदगी? और उसे ये लगना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर हम भी उसकी जगह होते तो हमें भी यही लगता। लेकिन वही बच्चा जब 17 साल का होता है तो अपना एक एनजीओ खोलता है जिसमें वो लोगों की हेल्प करता है, जिसका नाम रखता है लाइफ विदाउट लिमिट। दोस्तों, वही बच्चा जब 19 साल का होता है तो अपना पहला भाषण देता है और उन लोगों को मोटिवेट करता है जिनके पास वो सब है जो उसके पास नहीं। इसके अलावा वो बच्चा हर वो काम करता है जो एक नॉर्मल इंसान करता है। वो स्विमिंग करता है,
वो फुटबॉल खेलता है, वो सर्फिंग करता है, वो स्काई डाइविंग भी करता है और वर्ल्ड के टॉप मोटिवेशनल स्पीकर में से एक बनता है और तमाचा मारता है उन लोगों के मुंह पर जिनके पास सब कुछ है फिर भी वो लाइफ में कुछ नहीं करते। कैसे किया उसने ये सब, जानना चाहेंगे आप? तो सुनो, कैसे किया निक ये सब? निक ने कुछ सवाल पूछे थे अपने आप से, जिससे उसे अपनी जिंदगी का एक मकसद मिला और वही मकसद आपको भी आज ढूंढना है अपनी जिंदगी का। आपकी जिंदगी को एक मुकाम पर लेके जाना है। पूछिए अपने आप से कि आप क्यों सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। पूछिए अपने आप से कि आप सक्सेसफुल क्यों नहीं बन सकते। पूछिए अपने आप से कि आज ही क्यों नहीं मैं अपनी सफलता की तरफ एक कदम बढ़ाऊं जो मेरा इंतजार कर रही है। दोस्तों, जब वो इंसान कर सकता है तो आप क्यों नहीं? पूछो खुद से क्या कमी है आप में और सीखो और आगे बढ़ो जिंदगी में। धन्यवाद।